रिकॉर्डिंग क्लब के सभी मेंबर्स को कमल शर्मा का नमस्कार दोस्तों हमने कल सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात की थी आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर जैसा कि मैंने बताया था सिंपल के तीनों ही टेंसेज सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर किसी काम का होना बताते हैं काम का जो नेचर है जो एक्शन का नेचर है काम का होना अगर कोई काम होता है तो सिंपल प्रेजेंट कोई काम हुआ तो सिंपल पास्ट और कोई काम होगा तो सिंपल फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर टेंस यह बताता है कि भविष्य में कोई काम होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस किस तरह से बनता है उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करें सेंटेंस नंबर वन आई शैल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर आई शैल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है शैल ऑक्सिलरी है बाय मेन वर्ब है वर्ब की बेस्ट फॉर्म है और नेक्स्ट ईयर यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम आई शैल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर अगले साल मैं नई कार खरीदूंगा यह अफर्मेटिव सेंटेंस है भविष्य में कोई काम होगा इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे ऑक्सिलरी के बाद में नॉट लगा देंगे आई शेल नॉट बाय न्यू कार नेक्स्ट ईयर अगले साल मैं नई कार नहीं खरीदूंगा इंटरेगेटिव होगा शेल आई बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर क्या अगले साल मैं नई कार खरीदूंगा ये क्वेश्चन हो गया हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे सेंटेंस नंबर टू वी शैल विजिट माउंट आबू नेक्स्ट मंथ वी शैल विजिट माउंट आबू नेक्स्ट मंथ यहां वी सब्जेक्ट है शेल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब विजिट मेन वर्ब जो कि वर्ब की बेस्ट फॉर्म है और नेक्स्ट मंथ एडवर्ब ऑफ टाइम वी शेल विजिट माउंट आबू नेक्स्ट मंथ हम अगले महीने माउंट आबू देखने जाएंगे कोई काम भविष्य में होगा इसका निगेटिव होगा वी शेल नॉट विजिट माउंट आबू नेक्स्ट मंथ हम अगले महीने माउंट आबू देखने नहीं जाएंगे इंटरनेगेटिव होगा शेल वी विजिट माउंट आबू नेक्स्ट मंथ क्या हम अगले महीने माउंट आबू देखने जाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस यू विल राइट अ न्यू पायम तुम एक नई कविता लिखोगे यू सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब राइट मेन वर्ब जो कि वर्ब की बेस्ट फॉर्म है यू विल राइट अ न्यू पायम तुम एक नई कविता लिखोगे निगेटिव होगा यू विल नॉट राइट अ न्यू पायम तुम नई कविता नहीं लिखोगे इंटरगेटिव होगा विल यू राइट अ न्यू पायम क्या तुम नई कविता लिखोगे सेंटेंस दे विल

िल दे प्लांट ट्रीज क्या वे पेड़ लगाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस ही विल ग टू मुंबई टमारो ही विल ग टू मुंबई टमारो ही सब्जेक्ट है विल ऑक्जिलरी गो वर्ब की बेस्ट फॉर्म है मेन वर्ब है टमारो एडव ऑफ टाइम ही विल गो टू मुंबई टमारो कल वह मुंबई जाएगा ही विल नॉट गो टू मुंबई टमारो कल वह मुंबई नहीं जाएगा विल ही गो टू मुंबई टमारो क्या कल वह मुंबई जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस शी विल डेकोरेट हर रूम

अपने जन्मदिन पर कमरे को सजाएगी निगेटिव होगा शी विल नॉट डेकोरेट द रूम ऑन हर बर्थडे वह उसके जन्मदिन पर कमरे को नहीं सजाएगी विल शी डेकोरेट द रूम ऑन हर बर्थडे क्या वह अपने जन्मदिन पर कमरे को सजाएगी नेक्स्ट सेंटेंस इट विल ग्रो डार्क सून इट विल ग्रो डार्क सून विल ऑक्सिलरी है ग्रो मेन वर्ब है इट विल ग्रो डार्क सून जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा इट विल नॉट ग्रो डार्क सून जल्दी ही अंधेरा नहीं होगा will it ग्रो डार्क सून क्या जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा next sentence the doctor will examine the patients next sunday the doctor will examine the patients next sunday the doctor subject will auxiliary examine main verb or next sunday time ka adverb the doctor will examine the patients next Sunday. Doctor, अगले रविवार को The doctor will not examine the patients next Sunday. The doctor, अगले रविवार को Will the doctor examine the patients next Sunday? डॉक्टर अगले रविवार को मरीजों की जांच करेगा नेक्स्ट सेंटेंस द बॉयज विल प्ले अ फ्रेंडली मैच टमारो द बॉयज विल प्ले अ फ्रेंडली मैच टमारो द बॉयज सब्जेक्ट विल ऑक्सिलरी प्ले मेन वर्ब टमारो एडवर्ड लड़के कल एक दोस्ताना मैच खेलेंगे द बॉयज विल नॉट प्ले अ फ्रेंडली मैच टमारो कल लड़के एक फ्रेंडली मैच यानी दोस्ताना मैच नहीं खेलेंगे विल द बॉयज प्ले अ फ्रेंडली मैच टमारो क्या लड़के कल एक दोस्ताना मैच खेलेंगे तो दोस्तों यहां पर हमने दो तीन बातें देखी पहली बात सिंपल फ्यूचर टेंस यह बता, बताता है कि कोई काम भविष्य में होगा द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर दूसरी बात इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने पर वर्ब के साथ में गा गे गी जैसा मीनिंग साउंड होगा जाऊंगा जाएगी जाएंगे तीसरी बात इस टेस में विल और शैल दो तरह की ऑक्सिलरीज काम में आती है और वर्ब की बेस फॉर्म काम में आती है विल शैल प्लस वर्ब ये इसकी पहचान है अगर किस सेंटेंस में विल शैल ऑक्सिलरीज है और वर्ब की बेस्ट फॉर्म है तो वो टेस होगा सिंपल फ्यूचर और उसको ट्रांसलेट करने पर मीनिंग साउंड करेगा गा गे गी जैसा दूसरी बात सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर इन तीनों में सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है थोड़ा एक बात और देख लें विल शेल का जो यूज है वो आई और वी के साथ में करेंगे अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई और वी है तो शेल लगेगा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे अब हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट इन दोनों ही टेंसेज में अफर्मेटिव सेंटेंसिस में हम ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते हैं सिंपल प्रेजेंट को निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए डू do और डज का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में अफर्मेटिव में भी ऑक्सिलरीज काम में आती है निगेटिव में आती है इंटरनेगेटिव में आती है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी नहीं लगती है वो सीधी मेन वर्ब लगती है इसमें बिना ऑक्सिलरीज के बनते है, हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में बाकी सभी सेंटेंसेस बाकी सभी टेंसेज में ऑक्सिलरीज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी काम में आती है तो तीनों ही टेंसेस किसी काम का होना बताते हैं काम होता है तो सिंपल प्रेजेंट काम हुआ तो सिंपल पास्ट तो और काम होगा तो सिंपल फ्यूचर दोस्तों अगले ऑडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों टेंसेस की एक साथ बात करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि उनमें क्या क्या समानता हैं, क्या क्या असमानता है वर्ब किस प्रकार से चेंज होती है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या वर्ब लगती है पास्ट कंटेंस में क्या लगती है और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगती है और वर्ब का बार बार चेंज होना जैसे ही वर्ब का टेंस होता चेंज होता है वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करती है वर्ब में चेंज आना यही वर्ब का इन्फ्लेक्शन कहलाता है इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ब फ्रिकवेंटली फ्रिकवेंट इन्फ्लेक्शंस इन द वर्ब इज टेंस सो थैंक यू वेरी मच अगर इस बारे में कोई डाउट्स हो जरूर पूछें uh, कल हाजिर होंगे नए टेंसेस के साथ में थैंक यू यदि आप हमारे रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ना चाहें तो मोबाइल नंबर नाइन फोर वन फोर एट सिक्स एट सिक्स फाइव नाइन पर अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लब एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि रोजाना बहुत सारी ऑडियो सामग्री अवेलेबल करवाता है दोस्तों नंबर एक बार रिपीट कर देते हैं नाइन फोर वन फोर एट सिक्स एट सिक्स फाइव नाइन धन्यवाद